यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है। बिजली कर्मियों की बैठक बेनतीजा निकली है। ऊर्जा मंत्री के साथ कल हुई बिजली कर्मियों की बैठक में कोई हल नहीं निकला है। आज फिर से बिजली कर्मियों की बैठक हो सकती है, ये खबर सामने आ रही है। यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। प्रदेशव्यापी ये हड़ताल बिजली कर्मियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन इसको लेकर के बैठक भी की गई। ऊर्जा मंत्री ने इसको बैठक की, लेकिन उस बैठक में कोई हल नहीं निकला है। बिजली कर्मियों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। इधर सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। कहा गया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए चेतावनी भी जारी कर दी गई है। इसके बावजूद बिजली कर्मियों की तरफ से लगातार हड़ताल की जा रही है। तो बैठक भी हुई है, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। ऐसे में बिजली कर्मियों की तरफ से हड़ताल को की वजह से बिजली बाधित हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। गांव में देखा जा रहा है सेवा प्रभावित हो रही है बिजली की, लोगों को बेहद परेशानियां भी हो रही है, खासकर छात्रों को परेशानी हो रही है। पढ़ाई में पानी की समस्या भी लोगों के सामने पैदा हो गई है। और इस खबर पर मेरे चार सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो अलग अलग जगहों से जानकारी आपको देंगे। लेकिन आपको बता दें, बिजली कर्मियों की हड़ताल जो कि लगातार जारी है। अब आपको जरा तस्वीरें दिखा देते हैं जो इस खबर से जुड़ी हुई है। बिजली कर्मियों की तरफ से लगातार हड़ताल जारी है, और इसका असर किस तरीके से हो रहा है ये तस्वीर आप देखिए। गाजियाबाद की तस्वीर, जहां पर अब लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, बिजली दफ्तर पहुंची, यहां पर जम करके हंगामा किया गया है इसके खिलाफ। वहीं उन्नाव से भी तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर लोग सड़कों पर उतरे हैं, यहां पर भी देखा गया लोगों ने टॉर्च जला करके प्रदर्शन किया और इसका विरोध किया है। इटावा की तस्वीर आपके सामने है, इटावा, वाराणसी, गोरखपुर, जालौन, अलग अलग जगह की ये तस्वीरें। इटावा में देखा गया स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं, बिजली बाधित होने के चलते लोगों के इलाज में समस्याएं आ रही है। कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है, कांग्रेस की तरफ से भी बिजली कर्मियों के हड़ताल का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। वाराणसी की ये तस्वीर है, जालौन की तस्वीर आप देखिए, जालौन में यहाँ पर डीएम कार्यालय का यहाँ पहुंचे लोग, यहाँ पर घेरा किया गया, लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन अपना यहाँ पे व्यक्त किया गया है। इसी के साथ एक और तस्वीर सामने आई है कि लोगों को अपने मोबाइल फोन के चार्ज के लिए जनरेटर का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ रहा है। इसके लिए लोगों को अपने जेब से पैसे भी खर्च करने पड़ रहे हैं, 10 से लेकर 20 रुपए के आसपास लोगों को पैसे खर्च करके अपने मोबाइल फोन लोग चार्ज यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बिजली हड़ताल के बाद जिसका जिस तरीके का असर दिख रहा है, बिजली सेवा प्रभावित होने के बाद उनसे जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। ये साफ तौर पर ये बयां कर रही है कि लोग किस कदर परेशान हो रहे हैं, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि प्रदेश व्यापी हड़ताल बिजली कर्मियों की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है, सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है, इसके बावजूद बिजली कर्मी लगातार हड़ताल कर रही है और ये तस्वीरें उसी की है। इस खबर पर मेरे सहयोगी अलग अलग जगह से मेरे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से संवाददाता विवेक त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वाराणसी से नवीन पांडे, जो कि पूरी जानकारी आपको देंगे। सीधा रुख कर लेते हैं विवेक का, लखनऊ से मेरे साथ बने हुए हैं। विवेक, इससे पहले ये बताइएगा किसको लेकर का अपडेट क्या है, आज की क्या तस्वीर है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है बिजली कर्मी हड़ताल कर रहे हैं, और कब तक ये हड़ताल चलेगा, आखिरकार हल कब निकलेगा? देखिए, सबसे बड़ी अपडेट ये है कि पहले जो कल 1300 के आसपास लोग थे, 1332 संविदा कर्मी बर्खास्त किए गए थे, अब उनकी संख्या 3000 के ऊपर हो गई है, यानी लगातार बर्खास्तगी का सिलसिला जारी है। अब संख्या 3000 के ऊपर पहुंच चुकी है, हड़ताल अभी भी जारी है। कल रात को जब ऊर्जा मंत्री से बातचीत हो रही थी, 3 घंटे की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। कल ही रात को करीब 8 बजे के आसपास 22 लोगों के खिलाफ, जो संयुक्त संघर्ष समिति है, 22 लोगों के खिलाफ एस्मा के तहत FIR दर्ज हुई थी, और अब उसमें 7 लोगों के नाम और बढ़ गए। ये 7 लोग उन कंपनियों के हैं जो आउटसोर्सिंग कराती हैं, उनके कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ FIR हुई, यानी 22 से ये संख्या बढ़कर 29 हो चुकी है। 29 लोगों के खिलाफ एस्मा लग चुका है, 3000 से ज़्यादा संविदाकर्मी बर्खास्त हो चुके हैं, और ये सिलसिला रात से ही जारी है। आज हड़ताल अगर जारी रहती है, कल रात को भी मुख्यमंत्री ने साफ कहा था, निर्देश दिया था ऊर्जा मंत्री को कि अगर हड़ताल जारी रहती है तो सख्त कार्रवाई की जाए, किसी भी सूरत में हड़ताल को स्थगित कराया जाए। आज तीसरा दिन है, देखिए 2 दिन में हाहाकार मच चुका है, बुरी स्थिति हो चुकी है पूरे प्रदेश में। राजधानी में उसका असर नजर नहीं आ रहा भले, लेकिन और जगह पर काफ़ी खासा असर देखने को मिला है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री जब बनारस गए थे, वहाँ भी बिजली की लुका छिपी चलती रही, कई जगह लोगों ने शिकायत की कि घंटों बिजली नहीं आ रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने लखनऊ आके सीधे बैठक की, ऊर्जा मंत्री को बुलाया, अधिकारियों को बुलाया, इसी का असर था कि रात में बैठक और वार्ता के लिए तैयार हुए संयुक्त संघर्ष समिति के लोगों को बुलाया गया, बातचीत हुई, लेकिन 3 घंटे की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। उल्टा
इधर बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज कराने का सिलसिला चल रहा था, निलंबन का सिलसिला चल रहा था। कई जेई, कई अवर अभियंता, कई जो सहायक अभियंता है उनको सस्पेंड करने का लगातार सिलसिला चल रहा था। ऐसे में इस वार्ता का कोई औचित्य नहीं था। और जब बाहर निकले हैं रात करीब 11 बजे संयुक्त संघर्ष समिति के लोग, तब उनके चेहरे उतरे हुए थे, गुस्सा था, और उन्होंने कहा कि वार्ता अभी खत्म नहीं हुई है, कल एक बार फिर यानी आज संडे को एक बार फिर वार्ता हो सकती है और हड़ताल जारी रहेगी। अगर मुकदमे वापस नहीं लिए गए, निलंबन और बर्खास्तगी वापस नहीं ली गई, तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हो जाएगी। यानी अब आज ये फैसला हो जाएगा कि हड़ताल आज खत्म होगी या जो सांकेतिक हड़ताल चल रही थी, या फिर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ आगे बढ़ेगी। और अगर आगे बढ़ेगी तो इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के तमाम नागरिकों को, जनता को भुगतना होगा। वो जो इस राजधानी के परिक्षेत्र से दूर हैं, राजधानी से दूर रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, गाँवों में रहते हैं, खासकर उनके साथ सबसे बड़ी समस्या है, उनके लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और इधर सरकार की भी मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ेंगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है, चुनावी माहौल है, चुनाव निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिनका सबसे ज्यादा वोट बैंक, जो सबसे ज्यादा वोट बैंक होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों से होता है, कस्बों से होता है, वहां पर अगर इसका असर पड़ेगा हड़ताल का तो सरकार को मिल रहा है। विवेक, वाराणसी का रुख करती हूँ, नवीन पांडे वहां पर मौजूद है, वहां पर क्या तस्वीर है ये जानते हैं। नवीन, वाराणसी में क्या तस्वीरें है, वहां पर कैसे हालात बने हुए बिजली कर्मियों के हड़ताल को लेकर? जी, वाराणसी की अगर बात की जाए कि वाराणसी में आम जनता त्राहिमाम करते हुए देखने को मिल रही है, और वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोग सुबह सुबह परेशान होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बाल्टी लेके लोग एक दूसरे कॉलोनियों में घूमते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह पानी की समस्या है और पानी नहीं आने, बिजली नहीं होने की वजह से पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से लोग परेशान हालात में देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग हैं, महिलाएँ हैं, उनसे हम बात करते हैं। आंटी जी, किस तरह से दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है? पानी नहीं मिल रहा है, एकदम परेशानी हो रहा है पानी का। किस तरह की परेशानी हो रही है, कब से बिजली नहीं है? तीन दिन से बिजली नहीं है इनको, इस वजह से परेशानी हो रही है। कुछ लोग और हैं, कितनी समस्या उठानी पड़ रही है, आम जनजीवन किस तरह से प्रभावित देखने को मिल रहा है? हम लोग तो एकदम बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं, पिछले 3 दिनों से लाइट नहीं है, जिसकी वजह से पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मोबाइल वगैरह भी नहीं चार्ज हो पा रहा है, जनरेटर की व्यवस्था हम लोग किए हैं लेकिन उसमें जो है इतना खर्च हो गया है 3 दिन में कि 4 महीने का हम लोग बिजली का बिल भर दिए होते। लोगों को साफ परेशानी देखने को मिल रही है, किस तरह की दिक्कतें उठानी पड़ रही है, और क्या आप चाहते हैं कि सरकार और बिजली विभाग के बीच जो बातें हो रही है वो जल्द से जल्द समाधान हो सके? सरकार और बिजली विभाग के कर्मचारियों से जो विवाद है उसमें जनता को पीछा जा रहा है, और हम आम जनता लोग उपभोक्ता हैं, और जो है कि सबसे ज़्यादा हम लोगों को घरों में दिक्कत हो रही है, और हम लोगों का उसमें क्या कसूर है? हम लोग तो पूरी तरीके से जो है कि उनका जो भी फॉलो आता है कि बिजली का रेट बढ़ रहा है या बिजली घट रहा है या क्या हो रहा है, हम लोग सभी चीज़ फॉलो कर रहे थे, इसमें हम लोगों को न पीसा जाए। सरकार से यही अपील है कि आपस का झगड़ा इन लोगों का आपस में समझे। सरकार और लोग और बिजली विभाग के लोगों के बीच जो वार्ता हो रही है वो जल्द से जल्द उसका समाधान हो, ये उपभोक्ता कहते हुए देखिए नवीन, क्योंकि कल तस्वीर सामने आई थी काल भैरव मंदिर की, जहां पर देखा जा रहा था तमाम श्रद्धालु अंधेरे में ही पूजा कर रहे थे, पूजा अर्चना, लेकिन इस बीच सीएम योगी खुद वहां पर पहुंचे पूजा अर्चना होने की, लेकिन उस वक्त भी वहां की बिजली गुल थी, वहां की बत्ती गुल थी। क्या उसके बाद तमाम अधिकारी भी, क्योंकि उनके साथ थे, कोई भी संज्ञान उन्होंने इस मामले का लिया गया, कोई एक्शन लिया गया उसके बाद? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से सीएम 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे, लेकिन सीएम के दौरे पर पहुंचने के बावजूद, क्योंकि सीएम आने वाले थे और उसके पहले भोर से ही काल भैरव मंदिर की लाइटें काट दी गई थी, जिस पे सीएम ने अधिकारियों से इस बात का जवाब मांगा कि लाइट काल भैरव मंदिर की क्यों लाइट काटी गई, तो फिलहाल जवाब मांगा गया है अधिकारियों से कि बिजली कर्मियों से इस बात को का डिटेल लीजिए, जानकारी लीजिए कि क्यों काल भैरव मंदिर की लाइटें काट दी गई। इसके साथ ही वाराणसी में केवल काल भैरव मंदिर नहीं, तमाम ऐसे मंदिर हैं जिनकी लाइटें काट दी गई हैं, जिस पे कहीं ना कहीं अब अधिकारी एक्शन के मूड में है, और लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है प्रशासनिक तौर पर कि क्यों काल भैरव मंदिर की लाइट काटी गई, प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब मांगा जा रहा है। सीएम पहुंचने वाले थे, उससे पहले काल भैरव मंदिर की लाइट काट गई थी, तो प्रशासनिक अधिकारियों से काल भैरव मंदिर की जो लाइट कटी है उस पर सवाल पूछा गया है, जवाब मांगा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन द्वारा किस तरह से जवाब दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता, बिजली विभाग और सरकार के बीच जो वार्ता विफल हो रही है उसमें आम जनता पिसती हुई देखने को मिल रही है। जो लोग सक्षम है वो तो जनरेटर के माध्यम से बिजली उपलब्ध करा के पानी की समस्या से निजात पा रहे हैं, लेकिन जो लोग पेयजल संकट तक पहुंच चुका है। फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा क्या कुछ अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आप दोनों का पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।